अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 12 नवंबर 2019 की हम बड़ी अपडेट देखने वाले हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कल से शुरू होगी सबसे बड़ी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, कल से सबसे बड़ी सुनवाई होने वाली है। कल आपकी आखिर 13 नवंबर आने वाली है डेट। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आज, उसको देखते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती विवादों में फंस कर रह गया 67,000 युवाओं का भविष्य। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या है इसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेफ उड़ान महासर्वे का रिजल्ट और जानेंगे सब कुछ, जाने कब तक मिलेगा आपको नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को यार नियुक्ति पत्र ये चाहिए कि यार कब तक मिल जाएगा और कब तक बच्चे नौकरी करते हुए दिखाई देंगे, इस वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों सब कुछ जानेंगे। और एक और बड़ी अपडेट, जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कितने शिक्षा मित्र हो रहे हैं पास। आपको बता दें जितने भी शिक्षा मित्र पास होंगे, समझ लीजिए वो सीट उनके लिए रिजर्व हो जाएगी। मतलब आप उन सीटों पर नौकरी नहीं ले सकते, क्योंकि उनको 25 अंक का भराक मिलेगा, तो आप उनके पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं उतने सीट को आप सीधे सीधे निगेटिव कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट 2019। यूपी टेट के लिए अब तक 5.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, एक बड़ी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों टीईटी पर पीएनपी सचिव को निर्देश, कहा अंतिम तिथि का ना करें इंतजार, आवेदन के बाद फाइनल प्रिंट 20 नवंबर तक अवश्य कर ले प्रिंट। देखिए दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई कि पीएनपी सचिव ने कुछ और बड़ी बातें कही, उसको भी देखेंगे कि उन्होंने कहा कि यार आपकी जो अंतिम तारीख है ना वो बढ़ेगी नहीं, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं होगी। काफी बच्चे सोचते हैं कि चलो भाई तारीख बढ़ जाएगी, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और दोस्तों डीएलएड और बीटी का स्क्रूटनी का रिजल्ट हो चुका है घोषित। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपना स्क्रूटनी रिजल्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, उसके माध्यम से दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि जो ये वाला मैटर आया यूपी टीजीटी पीजीटी वाला क्या मैटर आया, ये देखते हैं। इसका सोर्स है लाइव हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, वहां से अपडेट हमने लिया है ये। तो उत्तर प्रदेश के 67,000 से अधिक युवाओं का भविष्य विवाद में फंस कर रह गया है। टीजीटी जीव विज्ञान के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी पिछले साल सवा साल से पिछले सवा साल से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, यूपी बोर्ड और हाई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को टीजीटी पीजीटी 2016 में विज्ञापित हाई स्कूल व स्तर पर जीव विज्ञान, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकड़ और आसुलिपि, टंकड़ गणित विषय समाप्त कर दिया था। इंटर में वनस्पति विज्ञान, जबकि हाई स्कूल तथा इंटर स्तर पर संगीत विषय को समाप्त किया गया था। टीजीटी जीव विज्ञान के 304 पदों के लिए 67,500 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। पद समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने आपत्ति की तो सरकार ने सचिव यूपी बोर्ड की अध्यक्षता में विषय निर्धारण के लिए समिति का गठन कर दिया। तो दोस्तों ये सब अपडेट्स हैं, ठीक है ना। समिति ने अगस्त 2018 में अपनी रिपोर्ट एवं संतुष्टि शासन को भेज दी थी, लेकिन आज तक शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें अपडेट्स हैं। तो आप देख रहे होंगे यार इतने बच्चों का भविष्य हमेशा फंस कर रह जाता है। देखिए यहाँ पर 67,000 बच्चे अभी तक चक्कर काट रहे हैं, और दोस्तों आप लोग भी तो कम तो है नहीं यार। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों बच्चों की संख्या कितनी है, 4,10,000 छात्र परेशान हो रहे हैं पिछले एक साल से। जी हाँ दोस्तों, 4,10,000 ये शिक्षक भर्ती दोस्तों आपकी दिसंबर में शुरू हुई थी और आज आपकी 12 नवंबर 2019 हो चुकी है। लगभग कुछ दिन बाद दोस्तों आपकी शिक्षक भर्ती को एक साल पूरा हो जाएगा। मतलब एक साल से आप लोग दोस्तों परेशान हो रहे हैं कि कब मिलेगा नियुक्ति पत्र, कब मिलेगी नौकरी और कहां पर मिलेगी नौकरी। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कल से जो हो रही है शुरू सबसे बड़ी सुनवाई। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी सुनवाई का हम नाम क्यों ले रहे हैं, पहले आप इस बात को समझना होगा कि कल 13 नवंबर 2019 से दोस्तों जो कल आपकी सुनवाई होने वाली है डबल बेंच में, जो दो जज साहब आपके बैठेंगे, तो सिर्फ दोस्तों वो आपका ही मामला सुनेंगे, क्योंकि दोस्तों ये आपकी स्पेशल अपील होगी। और दोस्तों पार्ट आठ बेंच जो गठित की गई है उसमें सिर्फ आपका ही केस सुना जाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, अब इस केस को ज्यादा दिन तक सुना नहीं जाएगा, मतलब बहुत जल्द इसको फाइनल करने के मूड में है जज साहब। देखिए दोस्तों, जितनी जल्दी केस फाइनल हो जाएगा उतना ही आपको फायदा होगा। केस फाइनल होते ही दोस्तों आपका ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाएगा, और जैसे ही ऑर्डर आपका पब्लिश होगा, जी हाँ दोस्तों पब्लिश, ठीक है, ऑर्डर पब्लिश होने के बाद ही आपको नौकरी मिल पाएगी। अगर आपको लगता है कि कब तक मिल जाएगा नियुक्ति पत्र, देखिए हम आपको पहले एक बात क्लियर करना चाहेंगे, अगर 60-65 की जीत होती है तो हो सकता है कि सरकार अंतरिम राहत पर आपको नौकरी दे सकती है। अगर मान लेते हैं इन केस 40-45 की जीत हो जाती है तो दोस्तों डबल बेंच का देखिए तुरंत आदेश जारी हो सकता है कि आपको रिजल्ट जारी करना पड़ेगा, मतलब सरकार को।
तो दोस्तों अब सरकार के ऊपर सारा मैटर आ जाएगा कि सरकार रिजल्ट जारी करेगी या सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर फिर से अपील कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपका मामला फिर से पेंडिंग में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों जो मामला सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आएगा उसके बाद सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होगा। मतलब तब तो आपको रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ उम्मीद की जा रही है कि जो डबल बेंच का फैसला आएगा वो अंतिम फैसला हो सकता है। इसके बाद दोस्तों पता है सबको कि यार मामला आपका डबल सुप्रीम कोर्ट में जाना है। लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जाते समय रिजल्ट आपका जारी करने का आदेश हो सकता है। लेकिन एक बार अगर रिजल्ट आपका जारी हो गया फिर तो केस ही वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर केस में बचा ही क्या। आप ये बात समझ जाए कि यार हमारा पूरा केस किस बेस पर चल रहा है कि पासिंग मार्क निर्धारण को लेकर। तो दोस्तों अगर एक बार आपका 40-45 या 60-65 पर अगर आपका एक बार रिजल्ट जारी हो जाता है फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं उसमें कि क्या जारी करेंगे बाद में। ठीक है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब लाखों छात्र या तो पास हो जाएंगे या तो फेल हो जाएंगे। देखिए 40-45 पर रिजल्ट जारी करने का मतलब साफ है कि 2 लाख से अधिक छात्र पास होंगे। ठीक है दोस्तों उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है, 3 लाख के भी पार निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों 60-65 पर अगर रिजल्ट जारी होता है तो काफी बच्चे फेल हो जाएंगे। अब फेल होने का दोस्तों रीजन क्या है ना, ये बात आप समझिए। क्या 90-97 नंबर लाना इतना आसान नहीं होता है। ये अपडेट्स भी दोस्तों अभी हम देखेंगे जो आपके सामने दिख रही है। तो चलिए दोस्तों पहले एक बार यूपी टेट के अपडेट देख लेते हैं। यूपी टेट में आप लोगों ने भी आवेदन किया जरूर होगा क्योंकि आपको पता है कि अगली शिक्षक भर्ती में दोस्तों 1/4 का नियम लागू हो सकता है। तो आप लोग अगर आवेदन करने के मूड में हैं, अगर आपको लगता है कि यार इस बार हम 120+ स्कोर कर सकते हैं या अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं तो आप आवेदन जरूर करिएगा। उससे दोस्तों आपकी तैयारी का भी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो दोस्तों यूपी टेट के लिए अब तक 5.5 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2019 के लिए अब तक करीब 5.5 लाख पंजीकरण हो गए हैं। 11 दिन में पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया धीमी है। अंतिम तारीख के पहले इसमें तेजी आ सकती है। इस पर परीक्षा संस्था ने दावेदारों से कहा है कि अंतिम तारीख बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों ये बात हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आपका कोई दोस्त, आपके भाई बहन या कोई भी है जो यूपी टेट 2019 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है तो उनको बता दीजिए कि इसमें अंतिम तारीख आपकी बढ़ेगी नहीं। 20 तारीख तक अगर आपने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया तो भूल जाइए कि यूपी टेट का पेपर दे पाएंगे। देखिए यूपी टेट का पेपर आसान आता है, सी टेट से आप लोग को भी पता है। तो यूपी टेट का पेपर आप देकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। इसलिए दोस्तों तय समय में प्रक्रिया पूरी कर ले अन्यथा अपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सोमवार शाम 7 बजे तक 4,32,813 पंजीकरण हो चुके हैं जबकि 3,60,621 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। वही प्राथमिक व उच्च प्राथमिक के लिए दोस्तों 5,32,697 पंजीकरण हो चुके हैं। तो दोनों को अगर दोस्तों हम जोड़ ले, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को दोस्तों लेकर ही 5.5 लाख आपके आवेदन हो रहे हैं। तो ये सब बातें दोस्तों आपके लिए अच्छी हैं, जरूरी हैं। देखिए दोस्तों आपके जो जूनियर बच्चे हैं बीटीसी और डीएलएड स्क्रूटनी का परिणाम हो चुका है घोषित। देखिए दोस्तों इस बार जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें देखिए जो आपके डीएलएड 2017 परीक्षा तृतीय सेमेस्टर में पंजीकृत 6,810 अभ्यर्थियों में से 6,116 का परिणाम यथावत रहा जबकि 694 के परिणाम में बदलाव के बाद 279 बच्चे पास हो गए। जी हाँ दोस्तों कुछ बच्चे चलिए पास हुए। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में भी डीएलएड 2015 बैच था, याद होगा सभी को बहुत ही अच्छे से। डीएलएड 2015 बैच में काफी बच्चों की बैक आ गई थी। जी हाँ दोस्तों हजारों बच्चों की बैक आई थी इंग्लिश में। तो दोस्तों उस बार भी काफी बच्चों ने स्कूटिंग का फॉर्म भरा था। लेकिन जिन बच्चों का स्कूटिंग में पास हुआ होगा उनको जरूर फायदा मिलेगा और वे 69,000 के लिए दोस्तों एलिजिबल हो भी जाएंगे। लेकिन जो बच्चे बैक पेपर के थ्रू आए उनका मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोस्तों देखिए इसका रूल पहले से था, आपको डीएलएड या बीएड का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं दोस्तों आपका पेंडिंग नहीं चलेगा, अपियरिंग हो जाएगा। अगर आपका बैक लग गया तो समझ लीजिए ये मैटर आपका अपियरिंग में आ जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे सेब गुणांक महासर्वे का रिजल्ट और जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में कि आपका सेब गुणांक क्या हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए महासर्वे का रिजल्ट क्या कहता है और क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जाने कितने शिक्षा मित्र हो रहे हैं पास। देखिए दोस्तों हम आपको बिल्कुल क्लियर कट में बताएंगे आज। अगर आपके 60-65 की जीत होती है, जी हाँ दोस्तों काफी बच्चों के सवाल आते हैं कि सर आप 60-65 के लिए वीडियो कम बनाते हैं। देखिए दोस्तों 60-65 का मतलब ये कि 60-65 की अगर जीत होगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है, संदेह नहीं करना है कि 60-65 की जीत मतलब आपको नौकरी मिल गई। अगर 60-65 की आपकी जीत होती है तो क्या होगा, पहले ये बात आपको समझना है। ठीक है अगर 60-65 की जीत का मतलब साफ है दोस्तों, अगर आपके 90 और 97 नंबर या इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तभी आप पास होंगे, अन्यथा आप क्या है फेल है। ठीक है तो आपको दोस्तों डिसाइड करना है कि आप पास हो रहे हैं कि फेल। देखिए जो बच्चे अगर 89 नंबर भी पाकर बैठे हैं या 96 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी तक तो आप फेल है दोस्तों। देखिए आपके नंबर बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ेंगे वो तो बाद में पता चलेगा कि रिवाइज आदर की जब जारी होगी। तो दोस्तों कोई बच्चा रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि यार क्या होगा आने वाले टाइम में।
ठीक है, अगर बढ़ जाते तो अच्छी बात है। देखिए, सरकार ने भी बहुत चतुराई दिखाई यहाँ पर। सरकार के पास ये अधिकार है दोस्तों, आज की डेट में भी सरकार चाहे तो आप रिवाइस आंसर की जारी कर सकती। तो दोस्तों ये बच्चों को भी अपील करना चाहिए, और जिन बच्चों को लगता है यार कि रिवाइस आंसर की जारी होनी चाहिए, वो बच्चे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए रिवाइस आंसर की जारी होने से आपको ये तो पता चल जाता ना, एटलीस्ट दोस्तों फाइनली आपको ये पता चल जाता है 100% श्योरिटी के साथ कि कितने बच्चे पास होंगे। और आपको एक बात और बता दें कि रिवाइस आंसर की में किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। एक बार जो रिवाइस आंसर की में जो भी दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा रिवाइस आंसर की के बाद, उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, जो भी होगा सब कुछ बिल्कुल फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो बच्चे याची बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, सिर्फ उन्हीं को फायदा मिलेगा, याची लाभ दिया जाएगा, और सभी के साथ दोस्तों कुछ नियम लागू नहीं होते हैं। अभी आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में दोस्तों फिर से पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए गए हैं। इतनी बार हो चुका है दोस्तों, दोबारा हो रहा है फिर से लगभग 450 बच्चों का, लेकिन इन 450 बच्चों में सभी बच्चे याची हैं। तो दोस्तों सिर्फ याचियों को लाभ मिलता है, तो इसी तरह आप यहाँ समझ लीजिएगा, अगर आगे आने वाले टाइम में 69,000 में कभी कुछ होगा भी तो सिर्फ याचियों को ही लाभ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सभी बच्चों के साथ रिजल्ट में छेड़छाड़ होगा, तो कुछ ही बच्चों के साथ होगा, तो इसमें परेशान नहीं होना है। तो ये बात आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जो बच्चे, देखिए 60-65 में दोस्तों ज्यादा बच्चे पास ही नहीं होंगे। देखिए जो बच्चे अधिकतर पास होंगे, ये समझ लीजिए जो सबसे ज्यादा बच्चे पास होंगे वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के होंगे। तो दोस्तों इन दोनों कैटेगरी के, मान लेते हैं एक तरह से सीट अगर फुल भी हो जाती तो भी दोस्तों आपकी जो एससी और एसटी कैटेगरी की सीटें हैं वो बच जाएगी, और आपका फिजिकल हैंडीकैप। तो दोस्तों ये अगर ये तीन कैटेगरी की सीटें बचेंगी तो इनमें नौकरी किसको मिलेगी, जो आपके एक्स सर्विसमैन ये सब भी है आपका दोस्तों, वो सब भी सीटें बचेंगी। तो दोस्तों नौकरी उनमें उन्हीं को मिलेगी जिनकी वो आरक्षित सीटें हैं। उसमें ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि एससी की सीट में जनरल के बच्चों को नौकरी दे दी जाए, ये दोस्तों कोई एडमिशन की प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी नौकरी की प्रक्रिया है, तो आपको परेशान नहीं होना। लेकिन एक बात और है, अगर 60-65 फाइनल हो जाता है, अगर मान ले उसके बाद दोस्तों आपकी 20,000 सीटें खाली रहती हैं, अगर दोस्तों 20,000 के अगर चली मान लेते 200 सीटें भी खाली रह जाती हैं, तो उस पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, ये बात है आपको याद रखना है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है यार कि चलो ठीक है, पहले 60-65 की जीत हो जाती जो सीट बचेंगी, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ को 50-55 कर दिया जाएगा या 40-45 कर दिया जाएगा। दोस्तों फिर वो पॉसिबल आपका नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो एक बार बनेगी, बार बार कट ऑफ में बदलाव संभव नहीं है। तो चलिए दोस्तों एक और बात हम कर लेंगे जाते जाते, कि कितने शिक्षा मित्र हो रहे हैं पास। देखिए दोस्तों अगर आपके 60-65 की जीत होती है तो ज्यादा शिक्षा मित्र पास नहीं होंगे, जो तकरीबन हो सकता है उनका आंकड़ा 5,000 शिक्षा मित्र पास हो सकते हैं। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 60-65 कट ऑफ पर, और 240-45 की बात करें तो 40-45 से 200 लगभग इनकी जो संख्या बढ़कर हो जाएगी, लगभग 30,000 से ज्यादा हो जाएगी, 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में इनकी राउंड आ जाएंगे दोस्तों। 40-45 पर देखिए नंबर बहुत कम हो रहा है ना, 60 और 67 नंबर, सीधे 30 अंकों का डिफरेंस दोस्तों, 30 नंबर यार बहुत ज्यादा होते हैं। एक नंबर पर दोस्तों लगभग 20,000 छात्र होते हैं, ठीक है, एक अंक पर, तो 30 अंक तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसमें तो संख्या दोस्तों काफी बढ़ जाएगी। तो 40-45 पर दोस्तों आपके लिए कंपटीशन काफी टफ होगा, और जो हमने मास सर्वे के रिजल्ट के अनुसार दोस्तों जिन बच्चों का 70 से अधिक गुणांक बना, जी हाँ दोस्तों जो बच्चे 70+ गुणांक या 70 गुणांक बना रहे हैं, उनकी संख्या भी लगभग आपकी 20,000 हो रही है। तो दोस्तों अगर 40-45 की जीत होती है तो फिर आपका कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाएगा, फिर उन्हीं को नौकरी मिलेगी, या तो जिनकी एज ज्यादा है, जिनके गुणांक ज्यादा है, ये सब सब कुछ मैटर करने लगेगा। ठीक है, अगर आप सोचिए दोस्तों अगर आपकी एज सिर्फ 22 साल है, ठीक है, या दोस्तों आपकी एज सिर्फ 23 साल है, और आपके अंक के गुणांक बनने मान लेते 68, तो दोस्तों आप एक डेंजर जोन में आ जाएंगे, क्योंकि आपका एज कम है। अगर दोस्तों अगर उसी जगह आपका एज 28 हो जाता, आप अगर 68 गुणांक है, तो आप चलिए थोड़ा बहुत आप प्लस में आ रहे हैं, तो काफी चीज मैटर करने लगी दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बस आज का और इंतजार, कल से आपकी सबसे बड़ी सुनवाई शुरू हो जाएगी, और कल हमें फाइनल कट ऑफ पता चल जाएगी, या दोस्तों काफी हद तक हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जस्ट आप देखना पड़ेगा कि कैसे शिक्षा मित्रों का पक्ष सुनते हैं और क्या बातें होती है, सब कुछ दोस्तों कल आपको लाइव कोर्ट अपडेट में मिलेगा। फिर मिलते हैं।